दोस्तों बात करेंगे आज हम लोग सैमसंग एक्टिव 2 के बारे में। ये ओरिजिनल सैमसंग नहीं है, ये कॉपी सैमसंग है। देखते हैं इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग, कैसी है वॉच, कैसी है बिल्ड क्वालिटी, परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं परचेस, वो सारी बातें जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एक्टिव 2, ये सैमसंग की वॉच नहीं है दोस्तों, ये क्लोन आइटम है। देखते हैं कैसी बिल्ड क्वालिटी वगैरह है। ये आपको ब्लैक कलर में अवेलेबल है यहाँ पे। चार्जर आपको अच्छा मिलता है यहाँ पे, यूएसबी। ये सब साइड पे रख देते हैं अभी और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है। 2 पिन चार्जर दिया गया है यहाँ पे और बेल्ट की जो क्वालिटी है वो भी प्रीमियम, थोड़ा ओरिजिनल जैसा फील कराती है। स्टार्ट करते हैं वॉच को। अब स्टार्ट हो गई है वॉच। इसकी जो स्क्रीन साइज है वो है दोस्तों 1.3 इंच की डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और वॉलपेपर्स यहाँ पे कितने हैं वो देख लेते हैं। एक तो ये वाला है, दूसरा ये है, ये है। वॉलपेपर्स भी अच्छे दिए गए। टोटल आपको यहाँ पे 5 वॉलपेपर्स इनबिल्ट मिल जाते हैं और ख़ुद का फ़ोटो भी आप रख सकते हो, वो मैं आगे आपको बताऊँगा कैसे रख सकते हैं हम। डायल पैड दिया हुआ है, ब्लूटूथ से इसके पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ी देर में हम लोग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका लेआउट आपको देखने को मिलेगा मेनू का। बस ये इतना मेनू आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। ऊपर से नीचे हम स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलती है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन से कनेक्ट करना पड़ेगा वॉच को। फिट प्रो एप्लीकेशन है दोस्तों यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रखी हुई है, अभी कनेक्ट कर लेते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों अभी एप्लीकेशन के साथ वॉच को कनेक्ट करेंगे, कैसा यूज़ रहता है उसका देखते हैं एक बार। यहाँ पे फिट प्रो एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया। ये ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वॉच के अंदर जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ड्यूअल मोड का। ड्यूअल मोड में दोस्तों ये ऑफ रहता है, आपको ऑन करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों मोबाइल के अंदर आपको दिखेगा बाइंड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सर्चिंग करेगा कितनी वॉच हमारे मोबाइल के आसपास है। तो यहाँ पे जो हमारा जो मॉडल का नाम है वो है 82, तो यहाँ पे आपको पहला मॉडल सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा 82, ठीक है, और यहाँ पे पेयर कर देना है, ओके कर देना है। और दोस्तों पहली बात आपको ब्लूटूथ यहाँ पे चालू रखना है, उसके बाद ही ये पेयरिंग होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम डायल सेटिंग में जाते हैं। डायल सेटिंग के अंदर आपको जो कस्टम वॉलपेपर है जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे डायल आपको मिलते हैं, आप जो भी चाहो वो डायल यहाँ पे रख सकते हो। हम लोग यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे अभी फिलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोटोज़ आता है, ठीक है। तो आपकी गैलरी में जो फ़ोटोज़ है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे कि मैं ये फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये फ़ोटो दिखेगा। यहाँ पर मैं करता हूँ सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज करने के बाद वॉच की स्क्रीन में भी यहाँ पे अपडेटिंग दिखेगा, थोड़ा टाइम लेगा ये। जो वॉलपेपर हमने सेट किया था वो यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। और ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है वॉलपेपर की, पिक्सल्स फटते नहीं है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। दोस्तों मैसेज की जो नोटिफिकेशन है वो किस तरीके से आएगी वो भी दिखा देता हूँ। मैं मेरे दूसरे नंबर से यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ अभी, तो ये व्हाट्सएप में मैसेज आ चुका है और वॉच के अंदर कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अगर ये चला जाता है, आपको दूसरी बार ये देखना है मैसेज क्या था, तो यहाँ पर आपको स्वाइप अप करना है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे। दोस्तों यहाँ पर मैसेज नोटिफिकेशन के लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर ऑन करना पड़ता है। आपको फिट प्रो एप्लीकेशन में जाना है, मैसेज पुश सेटिंग्स इसके अंदर जाना है। इसके अंदर ये सारे ऑप्शन जो है ना ये ऑफ रहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहिए उसको यहाँ पे ऑन कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे ऑन कर दिए, ठीक है। दोस्तों एक बार कॉलिंग करके भी देख लेते हैं कॉलिंग होता है कि नहीं यहाँ पर।
और ये डायल कर रहा हूँ मैं, देख सकते हो यहाँ से डायल हो चुका है, मेरे फ़ोन से भी आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से, यहाँ पे डायल हो चुका है नंबर आपको यहाँ पे अवेल ऑडियो यानी कि जो वॉच के अंदर बात करनी है उसमें कर सकते हो, स्पीकर में करनी है या आईफोन में करनी है कर सकते हो। दोस्तों ओवरऑल इस वॉच की बात करूँ तो जो लोग को राउंड डायल पसंद है उन लोगों के लिए बेस्ट है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, 2000 रुपये के अंदर ये बिल्ड क्वालिटी आपको दूसरी वॉच में देखने को नहीं मिलती है जनरली। तो मुझे तो पर्सनली ये वॉच अच्छी लगी, मेरे ग्रुप के अंदर भी 3-4 लोग इसको यूज़ करते हैं ऑलरेडी 5-6 महीने से, उनका भी रिव्यू अच्छा है इस वॉच के बारे में। तो अगर आपको ये वॉच परचेस करनी है तो दोस्तों मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवरी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि क्या मेरी मिस्टेक है इसके अंदर तो वो भी मैं सुधारूं, उसके लिए आप कोई भी सजेशन कमेंट में आप मुझे दे सकते हो कि भाई ये गलती थी वो गलती थी, तो उससे क्या है मेरा ये वीडियो की जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ेगी दोस्तों और आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बढ़िया मिल सकेगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।